नमस्कार, मैं राम अवतार, आगरा शोध संस्थान में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे ट्रिपल सी के बारे में। ट्रिपल सी क्यों इम्पोर्टेंट है और आज के दौर में इसकी महत्वता क्यों बढ़ती जा रही है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उसमें ट्रिपल सी मांगी जाती है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ट्रिपल सी NIT के द्वारा कराया जाता है, ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता सर्टिफिकेट है। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इस कोर्स में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, बेसिक चीजें, वो सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले एमएस वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का यूज सबसे ज्यादा किसी भी एप्लीकेशन या फाइल फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है, किताब लिखने के लिए भी होता है, साथ में इसी इंडेक्स करने, किसी भी कोई भी हमने फाइल लिखा उसे इंडेक्स करना, लिस्टिंग करना या किसी दूसरे पेज से लिंक करना या इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट से भी कनेक्ट करना होता है। एमएस वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज हम ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में अपनी फाइल असाइनमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल का यूज सबसे ज्यादा ऑफिस वर्क में होता है, जैसे कि और कॉलेज स्कूल में भी होता है। बात करके कॉलेज स्कूल में जो वर्क रहता है वो मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका डाटा को मेंटेन करना, स्मार्ट फिल्टर करने के लिए, जैसे नंबर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट उसमें से हमें किसी एक बच्चे का डाटा निकालना है तो हम फिल्टर का यूज करते हैं, या कितने बच्चे एब्सेंट हैं ये भी हम सेकंडों में हम पता लगा सकते हैं। एक्सेल की सहायता से हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी सेल्स मार्केटिंग कब कितनी डाउन हुई, कब कितनी अप हुई, ये सारी चीज़ें हम एक्सेल की हेल्प से कर सकते हैं। और इसे कैसे करेंगे, इसे हम सीखेंगे आगे। अभी बात करते हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन देने के लिए होता है, किसी भी प्रेजेंटेशन को बना के अपने आपको रिप्रेजेंट करना किसी दूसरे के सामने। पावर पॉइंट के अंदर हम जानेंगे कि हम इसे कैसे इफेक्टिव बना सकें, जो भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसे कैसे इफेक्टिव बना सकें, इसके अंदर कैसे मोशन दे सकते हैं, ग्राफिकली एनिमेशन कैसे दे सकते हैं, इसके अंदर ऑडियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि जो प्रेजेंटेशन है उसे हम वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ इसके अलावा हम प्रेजेंटेशन में कई सारे एनिमेटेड इफेक्ट भी डाल सकते हैं, और साथ में इसमें एक्सेल या वर्ड से भी लिंक किया जा सकता है, या अदर इसमें हम कोई भी डाउनलोडेड वीडियो को कैसे इनपुट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पावर पॉइंट के अंदर सीखेंगे। इसका मुख्य उपयोग अधिकतर ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए या अपने कॉलेज या स्कूल में प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है। ये तो इसमें मुख्य एप्लीकेशन हुई जिनके बारे में हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी के अंदर, लेकिन इनके अलावा कुछ एप्लीकेशन और हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि नोटपैड। नोटपैड का यूज सिंपल लिखने के लिए यूज होता है, जैसे कि हम कभी कोई वर्क कर रहे होते हैं, हमें कोई चीज लिखनी होती है, हम सीधे कॉपी में लिखते हैं, ऐसे हम कंप्यूटर के अंदर भी नोटपैड का यूज सिंपल लिखने के लिए करते हैं। इसमें ज़्यादा खास रहता नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ज़्यादा नहीं, सिर्फ फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जो प्रोग्रामर होते हैं, जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, कोई भी किसी प्रकार की छोटी या बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहाँ पर नोटपैड का यूज किया जाता है। तो जितनी भी कोडिंग होती है हम नोटपैड के अंदर ले सकते हैं। तो नोटपैड एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल है।
ठीक है। तो अगर हम देखा जाए ऑफिस पर्पज से नोटपैड ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन सिंपल हम नोट लिखने के लिए या किसी ने बोला नंबर नोट कर, हमने नोट किया उस पर्पज से यूज कर लेते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग करते हैं जब इसका यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं पेंट के बारे में, जो कि है ना ट्रिपल सी के अंदर आता है। पेंट में हम सीखेंगे किसी भी कोई भी डिजाइन बनाना, सिंपल डिजाइन बनाना, जैसे कि हट बनाना, पेड़ बनाना, नदी बनाना, इस टाइप की हम इसमें पेंटिंग बनाना सीखेंगे। जैसे हम क्लासेस में हम पेन से अपने पेंसिल से पेंटिंग बनाते थे, उसमें कलर फिल करते थे, सेम हम यहाँ पर भी ये सीखेंगे। इसके अंदर हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे अपनी जो पहले से इमेज बनी है उसे किस तरीके से एडिट किया जाए, या उसकी फॉर्मेटिंग या रेशियो कैसे चेंज किया जाए, ये सारी चीजें हम सीखेंगे इसके अंदर। अब बात करते हैं सीएमडी। ये जितने भी मैंने बताए ये सब ट्रिपल सी के अंदर आते हैं, और ट्रिपल सी के अंदर सारे इससे रिलेटेड करीबन 5 से 10 क्वेश्चन सभी में से पूछे जाते हैं ऑन एवरेज। सीएमडी का सीधे सीधे यूज होता, सीएमडी का यूज सभी जगह होता है, पर कुछ जगह कम कुछ जगह ज्यादा होता है। और सीएमडी का मुख्य यूज किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। ये सबसे ज्यादा पुराने टाइम पे यूज होता था, जब उन्हें एमएस ऑफिस वगैरह नहीं आते, विंडो नहीं है थी, ये कह सकते हैं जिस समय विंडो नहीं आए थे उस समय सीएमडी का सबसे ज्यादा यूज होता था। धीमे धीमे विंडो अपडेट हुई और सीएमडी का यूज कम होने लगा है अब। लेकिन कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं, वो लोग सीएमडी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट, सबसे इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इंटरनेट चलाना नहीं जानता हो। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन इंटरनेट है ना कैसे यूज करना चाहिए, कैसे करते हैं, और इसमें आज हम जानेंगे इंटरनेट के माध्यम से हम स्मार्ट सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम नए अकाउंट बना सकते हैं सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर किस तरीके से एक्टिव रह सकते हैं, इस ये सारी चीजें हम इंटरनेट में सीखेंगे। साथ में हम ये सीखेंगे कि अपने बैंक अकाउंट को कैसे सिक्योर रख सकते हैं अपने इंटरनेट में ऑनलाइन, अब फ्रॉड से कैसे बचा जाए, ये सारी चीजें हम सीखेंगे स्मार्ट सर्चिंग। और हम साथ में ये भी सीखेंगे सबसे ज्यादा कि लोग अपनी किसी भी चीज को फ्री कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो किसी भी चीज को सर्च करते हैं और जैसे उन्होंने नाम डाला कि हमें एक इमेज चाहिए जिसमें बैकग्राउंड ना हो, मतलब ट्रांसपेरेंट हो, तो लोग ये डालते, तो ट्रांसपेरेंट इमेज आती नहीं है, उसके अलावा और सारी चीजें आ जाती हैं। इन सबको सीखेंगे स्मार्ट फिल्टर में, स्मार्ट सर्चिंग के अंदर, कि हम सिर्फ जो चीज चाहते हैं वही आए करके। ठीक है, ये सब इंटरनेट के अंदर सीखेंगे। सिक्योरिटी पर्पस कैसे होता है, अपने अकाउंट को कैसे सेफ रखा जाए, हमारा अकाउंट हैक ना हो, ये सारी चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आज तक देखा जाए कि जितने भी लोग अपना फॉर्म भरवाने जाते हैं साइबर कैफे पर, साइबर कैफे वाले 50-100 रुपये लेते हैं, रिजर्वेशन में भी 100-150 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं, वो इसलिए उनको पता नहीं है। ये सारी चीज़ हम जब जान लेंगे कैसे किया जाता है तो वो पैसे हमारे बचेंगे। ये सारी चीज़ हम सीखेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल होता है, रेलवे बस एरोप्लेन की टिकट किस तरीके से बुक की जाती है, ये सारी चीज़ हम इसमें इंटरनेट में सीखेंगे। और ऑन ओवर एवरेज हम ये कह सकते हैं ट्रिपल सी एक बेसिक कोर्स के अंदर हम जितनी भी चीजें उन सब के बारे में बेसिकली जान लेंगे, चाहे वो हमारे प्रेजेंटेशन बनाना हो या अपने एक्सेल डाटा एंट्री करें। एक्सेल का यूज सबसे ज्यादा कंपनियों में होता है डाटा एंट्री के लिए, डाटा एंट्री की बहुत सारी जॉब निकलती हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर में हो या आपके लोकल सिटी में किसी भी कंपनी में आप जाओ, वहां पर डाटा एंट्री, चाहे स्कूल या कॉलेज, डाटा एंट्री की जॉब रहती है और कंपल्सरी होती है, और वो चाहिए होता है, उसके बिना काम होता ही नहीं है। ठीक है, अब वर्ड में आप पावर किसी भी प्रेजेंटेशन सॉरी एप्लीकेशन लिखना या लेटर पैड बनाना, ये सारी चीजें ऑफिस वर्क है, तो मतलब आप ये बेसिक ट्रिपल सी कोर्स ढंग से सीखते हैं तो आपकी जॉब सिक्योर है, मतलब जॉब सिक्योर मतलब आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, हाई पे वाली ना मिले लेकिन जॉब आपको मिल जाएगी, इंटरनेट से स्मार्ट सर्चिंग आप सीखेंगे। ठीक है, मतलब ट्रिपल सी कोर्स में सब कुछ। थैंक यू वेरी मच।